इसको अब हम निभाएंगे, कहा था या मेरा इस गली में, इस गली और सामने एक हमने सस्ता तंदूर का इफ्तिताह किया था। चल रहा है सस्ता तंदूर अभी चल रहा है। अगर उसमें कोई कमी पेशी है, कौशल यहाँ मौजूद है, बिलाल यहाँ मौजूद है, जरूर उनसे बात कीजिएगा। ये सस्ता तंदूर, दो रोटियां और दाल हम 5 रुपए में दे रहे हैं, जबकि आपको इसकी कीमत मालूम है। कमी पेशी कुछ हो सकती है अगर कोई उसमें तकलीफ हो। अच्छा, दाल अभी स्टार्ट होगी, अगले महीने से दाल भी स्टार्ट हो जाएगी। ये सस्ते तंदूर का सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि महंगाई का दौर है, हम अपने तौर पे अपने गरीब आवाम के लिए जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इसी तरह 4 RO प्लांट में लगा रहा हूं इस वक्त, एक सिविल हॉस्पिटल पे लगाया है, एक लग रहा है हिजरत कॉलोनी में, वहां पे भी लोग हिजरत करके आए हैं, एक अपर सिटी में लग रहा है और एक जोगी में। ये एक 1 RO प्लांट 25 लाख रुपए की लागत से लगता है। उसका मकसद ये था मेरा और मेरे साथियों का कि हम कम से कम पीने का साफ पानी आपको दे सकें, क्योंकि ये पानी तो देना पीपल्स पार्टी ने देना था, उनके काउंसलर ने देना था, उनके वजीर बल्दियात ने देना था। 1 RO प्लांट से 1500 से 1600 फैमिली को पानी देते हैं, 20 लीटर की बोतल, ताकि घर में पीने का पानी तो कम से कम साफ हो, बच्चे बीमार ना हो, ख्वातीन बीमार ना हो, और हमारे हॉस्पिटल पे जो लोड पड़ा हुआ है वो कम हो सके। इसी तरह जो मेरी कमिटमेंट आपके साथ थी कि अभी एक जनरल कॉलोनी में भी हमने बिजली का मसला हल किया है। दूसरा, हमने एजुकेशन कमेटीज बनाई हुई है, हेल्थ की कमेटीज बनाई हुई है। अगले ईद के बाद से इंशाल्लाह आपकी गलियों में जो स्कूल्स हैं हम वहाँ विजिट करेंगे, सर्वे करेगी मेरी टीम, वहाँ पे अगर जरूरत पड़ी तो हम स्कूल का सिलसिला भी शुरू करेंगे और एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर हम खोल रहे हैं। मैंने अभी जिन्ना हॉस्पिटल के पीछे वार्ड 4 में कुछ अपनी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए सिलाई मशीनें, उसका मकसद ये था कि आप एक सेंटर खोलेंगे, एक दुकान खोलेंगे, वहाँ पे बच्चियों को सिलाई की तालीम देंगे और जब बच्चियाँ सिलाई के काबिल हो जाएंगी तो उनको बिजनेस दिलवाएंगे। बाहर जो बड़ी बुटीक्स हैं जिनको टेलर की ज़रूरत होती है वो उनको बिजनेस भी दिलाएंगे।